यहाँ के जो प्रधान है मोहम्मद साहिद बाबू प्रधान है, ग्राम पंचायत भंडूरा, विकास खंड सदर, मुजफ्फरनगर निवास, ग्राम भंडूरा, जिला मुजफ्फरनगर। ये देखिए, उनके लड़के हमें मिले, उनके सपुत्र ने कहा कि वो व्यस्त है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए इनके सपुत्र से ही जानते हैं उनके विकास कार्य के बारे में। आइए दर्शकों, उनके निवास स्थान पर मैं लेकर चलता हूँ। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. ग्राम प्रधान के विचार हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया, पूरे ग्रामवासी, पूरे देशवासी जाने कि जो प्रतिनिधि ग्राम जनता चुनती है उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे प्रधान हमारे प्रति क्या विचार रखते हैं। आइए, लेकिन एक बड़ी ही अच्छी बात है, एक युवा हमारे साथ है, उनके पिताजी मोहम्मद साहिद उपस्थित नहीं है क्योंकि वो ग्राम प्रधान है और अपने घरेलू काम भी होते हैं, उनका व्यवसाय भी है, वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। उनके सपुत्र मिले, उनसे जानेंगे उनके विकास कार्य के बारे में, उनके फादर के विकास के कार्य में कि उन्होंने शिक्षा को लेकर, सफाई को लेकर क्या अभियान चलाया। आइए दर्शकों, सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने फादर का नाम और अपने गाँव का नाम बताइए। सर, मेरा नाम श्यामा सौरभी जी, गांव के सरपंच श्री शाहिद बाबू का लड़का हूँ जी। गांव का नाम विलेज भंडूरा है जी। अच्छा, देखिए आप नौजवान हैं, आज हमारे देश में नौजवान सिर्फ एक चीज़ से दुखी है, शायद मेरे कहने से पहले इस बात को समझ ही लेंगे, वो मुद्दा है बेरोजगारी का। क्या इस गांव में भी नौजवानों के लिए प्रधान जी ने कोई कदम उठाए उनकी बेरोजगारी समस्या के लिए? क्योंकि आती है ऐसी समस्या तो सामने जी, तो कोई ऐसी समस्या आई कभी? नहीं सर, अभी कोई समस्या आई नहीं है। ऐसे फिर भी जो कुछ लोग थे, जैसे कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ नॉर्मल एज के भी थे, अपने मनरेगा योजना चलाई गई थी। अच्छा, पीएम जी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेते करके उनको उसका लाभ दिया। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि जो युवा और बुजुर्ग अपने काम से परेशान थे, जिनके पास काम नहीं था, उन्हें मनरेगा का पूरा एक पूरा लाभ मिला और उसके लिए प्रधान जी ने कहीं ना कहीं उनके हित के लिए काम भी किया। उसमें सर सबसे ज्यादा बंदे जो बंदे का काम किया हमारे गांव से किया, गांव से। देखिए बड़ी इत्तफाकन की बात है कि सबसे ज्यादा जिस व्यक्तियों ने काम किया वो यहाँ से किया, तो कहीं ना कहीं प्रधान जी ने उनके लिए एक जागरूक अभियान चलाया कि हर व्यक्ति, हर आदमी के पास एक व्यवसाय हो, एक काम हो जी। ये तो हुआ शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अब शिक्षा को लेकर प्रधान जी ने प्राइमरी स्कूलों की क्या सौंदर्यकरण, जितने आप बाहर से स्कूल सुंदर लगता है, क्या उतना ही आधुनिक तकनीक से वो अंदर से भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा उदाहरण दे सर, जैसे स्कूल में पहले काफ़ी लापरवाही थी टीचर्स की, उनको भी डाइट किया गया, उनको बताया गया, प्रिंसिपल को भी डाइट किया। तो ऐसा क्यों कि प्राइमरी स्कूलों में आज उन बच्चों की पढ़ने की संख्या कम होती जा रही है? जैसे स्कूल में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी बन चुकी है, तो उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मिड डे पूरा चलता है, सब मिड डे मिल। अभी जब से बंद है क्या वो पैसा उनके खाते में जा रहा है? खाते में ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, जब तक बंद रहेगा जी, स्कूल देखो तब उनको पैसा काउंटर में जाता रहेगा। और जो शिक्षक टीचर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, उनको पता है क्लास की जा रही है टीचर्स की, या बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। और जो हमारे यहाँ के जो BSC हैं वो भी स्कूल में आए थे, उन्होंने टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि अभी इतनी अच्छी बिल्डिंग आपको मिल गई है, बैठने के लिए मिल रहा है, स्टूडेंट्स को भी बैठने के लिए सीट चेयर वगैरह मिल रही है। तो बच्चे यहाँ के अगर मार्क्स कम आते हैं तो आपसे बैठते हैं, हम आपके एडमिशन ले रहे हैं, हमें यहाँ के बच्चे टॉपर्स हैं। जितना प्रधान जी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उनके लिए, अच्छी बिल्डिंग बनाई है स्कूल का, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है स्कूल में, बिल्डिंग में और जी क्लास के अंदर, तो उससे बच्चे की पढ़ाई का फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। वैसे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। तो इस सब बातों का श्रेय कहीं ना कहीं प्रधान जी को जाता है सर, वो तो सही से क्योंकि उन्होंने जागरूक किया लोगों को। देखिए, शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है, ज्ञान के बिना इंसान, मैं तो बोलूँगा कि उसे मूर्खता का है, उसे पता ही नहीं होता। जब शिक्षा और गुरु मिल जाए तो इंसान सफलता भी हासिल करता है और देश का भी विकास होता है, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ बढ़ता है। सही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो बच्चों की शिक्षा पे और गाँव की साफ सफाई। साफ सफाई
शिक्षा और साफ सफाई दो महत्वपूर्ण पहलू है और दोनों महत्वपूर्ण पहलू पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया। विचार करने के साथ साथ उन पर काम भी किया गया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ क्योंकि इनको इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन मेरा आखिरी सवाल कोरोना महामारी को लेकर गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगभग मुझे 40% दिखा, 60% नहीं दिखा। क्या इसके लिए भी कोई अभियान चलाया गया? ऐसा होता है कुछ लोगों की लापरवाही है, अच्छा उन्होंने नई तरीके से समझा था, इसलिए मैं सबको समझ नहीं है कि भाई इसे कैसी बीमारी है क्या है। तो इसके लिए पापा ने कई बार दिया गाँव गाँव में आदमी भी स्कीम दी रखी है, गाँव में समझे के नाम दी रखी है, चलो मास्क भी जान दी है, उनको सैनिटाइजर भी कर दिया है, उनको पता भी है और ब्लॉक से भी अधिकारी होंगे उनको बुलाया है, तो काफ़ी लोगों से जानकारी दी है। तो देखिए देखा आपने कि एक युवा नौजवान वो भी कहता है कि अभी निरंतर साबुन से हाथ धोते रहे, ढिलाई ना करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जब तक ये बीमारी संपूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए मास्क का उपयोग करते रहे, मास्क को लगाए राइट, कोरोना से करें फाइट। और मैं तो एक बात और बोलूँगा कि मास्क आप वैसे भी लगाइए, दूषित जहरीली हवा अपने पैर हर जगह पसारती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी ही बिल्कुल। तो दर्शकों आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और मिलते हैं नए गांव में नए प्रधान से। मैं राजन नाई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके कैमरे में।